हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेट के मीनिंग को कवर करेंगे। यदि आप किसी टेक्नोलॉजी फील्ड में जुड़ना चाहते हो या कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको ये सेशन देखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के बहुत से मीनिंग हमें अक्सर परेशान करते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम में मीनिंग ना समझ आने पर क्वेश्चन तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए इंटरनेट से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक और चीज, कंप्यूटर से संबंधित कोई एग्जाम देने जा रहे हो, ट्रिपल सी, ओ लेवल, कोई भी एग्जाम, तो अगर ये सेशन अगर देख लेते हो ना तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक्सेल में एक वर्कशीट सेल जिसमें आपके द्वारा इंटर की गई वैल्यू का एक सेट होता है। सेल की वैल्यू में किया गया कोई भी बदलाव वर्कशीट फाइल में कहीं दूसरी जगह पर रिप्लेस होता है। मतलब क्या, कोई वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू लिख देते हैं एक्सेल की शीट में 1 2 3 कुछ भी, तो क्या कर सकते हैं हम इसको कहीं दूसरी जगह, इसको यहाँ से आपने इसको उठा करके भी जंप कर सकते हो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। एक होता है वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना, उनमें भी वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है एक्सेल के बारे में फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। देखो, ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें आउटपुट दिखाने के लिए एक टेलीविजन जैसी स्क्रीन होती है और इनपुट इंटर करने के लिए एक कीबोर्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। डिस्क स्पेस का प्रयोग करने की तकनीक ताकि प्रोग्राम को यह विश्वास दिलाता है कि जितनी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम वास्तव में उपलब्ध है उससे अधिक सिस्टम में है। इसे प्योर सेगमेंटेशन कहते हैं या प्योर पेजिंग या दोनों में कॉम्बिनेशन से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसी जान लो, अगर सिंपल सी बात में अगर कहा जाए कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो ये डिस्क स्पेस होता है। ठीक है ना, जो जिसमें अलोकेट करता है मेमोरी की साइज। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें ना, देखो फिफ्थ जनरेशन है जो कंप्यूटर के पांच जनरेशन है, तो अगर पांचवी जनरेशन की हम बात करें तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो VLSI है। ठीक है, इसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें करीब 10,000 ट्रांजिस्टर एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर फैब्रिकेटेड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं VLSI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट, यानी जिसे हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस जो वॉइस रिकॉग्निशन यानी पहचान सिस्टम के साथ इस्तेमाल होती है। मतलब सिंपल सा है कि जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जो बोले गए शब्द को बाइनरी डेटा जो सिस्टम में इनपुट के लिए उपयुक्त हो कन्वर्ट करता है। जब भी हम कोई स्पीच देते हैं तो कंप्यूटर में वो बाइनरी डिजिट में एक्सेप्ट होता है। ठीक है, लिखा है वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट क्या है। एक इनपुट डिवाइस जो शब्दों या मैसेज जो एक मैग्नेटिक मीडियम पर रिकॉर्ड होता है या प्रयोग करके ऑडियो रिस्पांस प्रस्तुत करती है, उसको बोलते हैं वॉइस रिस्पांस यूनिट। देखो, वॉइस मतलब हो गया आवाज और रिस्पांस मतलब उसकी प्रतिक्रिया देना। ठीक है ना, तो एक यूनिट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस बैंड डेटा क्या होता है। तो वॉइस बैंड डेटा, इसको देख लो, एक कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें 300 से आपको दिख रहा है 9600, ठीक है, यानी 300 से 9600 बॉन्ड्स के डेटा को मॉडरेट वैल्यू को हैंडल करता है। फोन लाइन इसके उदाहरण है, यानी वॉइस बैंड डेटा का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोन लाइन। ये फोन लाइन से संबंधित है, इतना कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टाइल स्टोरेज क्या होता है, उसको समझो। एक स्टोरेज मीडियम जो अपने कंटेंट को पावर फेल्योर या पावर स्विच ऑफ जैसी स्थिति में खो देता है। अगर वोल्टाइल की बात करें तो आपने सुना होगा ना कि रैम इज अ वोल्टाइल मेमोरी, रोम इज अ नॉन वोल्टाइल मेमोरी। ठीक है, तो उसको ख्याल रखना। वोल्टाइल मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो अगर जिसमें कंटेंट क्या होता है कि पावर जब तक सप्लाई है तब तक उसमें डेटा होता है, और जैसे पावर ऑफ किया जाए वहां से वो डेटा रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो वेब कैमरा। वेब कैमरा आप जानते ही होंगे, एक सिंपल वेब कैमरे में इसका यूज क्यों करते हैं, लाइव चैटिंग के लिए और मीटिंग के लिए।
ठीक है, यानी फोर से बहुत सी चीजों में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, एक डिजिटल कैमरा होता है जो कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट पर यूएसबी के द्वारा जुड़ा होता है। डिजिटल कैमरे में लाइट फिल्म के बदले फोटो सेंसिटिव डायोड्स की एक एरे को स्ट्रॉय करती है। वेबकैम से जुड़े सॉफ्टवेयर कैमरे में एक स्टील इमेज रेगुलर इंटरवल्स पर लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है वेब कर्वर, ठीक है ना, से वेब कैमरा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है वर्ड इफ एनालिसिस। ये क्या होता है, अगर कोई डेटा है हमारे पास है एक्सेल में, उसको क्या कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बजट बनाना, बजट बनाना, ईएमआई कैलकुलेट करना, ठीक है, ये सब हम लोग सिनेरियो मैनेजर से करते हैं। डेटा टेबल एक ऑप्शन होता है, गोल सीक फंक्शन होता है, उनसे हम एक्सेल में यूज करते हैं ना। लिखा है वर्कशीट वैल्यू को बदलने और वर्कशीट फाइल में उन बदलावों के प्रभाव को देखने की प्रक्रिया, यानी जो पहले एक बार बना दिया, मान लो बजट बनाकर आप चल रहे थे और कुछ ज्यादा खर्च कर दिया, अगले महीने क्या करोगे, अब इसका क्या करोगे, दो पार्ट करोगे, यानी पहले जो खर्च करते थे उसमें सेविंग करोगे दूसरे बार में, ठीक है ना, ये पहला वाला, और अगले महीने जो खर्च करोगे इसका हिसाब रहेगा, इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट है व्हाट इफ ग्राफिंग। क्या होता है ग्राफिंग, का तो जाएगा वर्कशीट वैल्यू को बदलने और ग्राफ में उन बदलाव के रिफ्लेक्ट होने के प्रभाव को देखने की प्रक्रिया। मतलब कोई डेटा आपने बना लिया, उसको आप ग्राफ में अगर डिजाइन करना चाहते हो डिजाइन कर सकते हो, और फिर उसको आप इफेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट इफ सिनेरियो। क्या है, एक कैलकुलेशन जो फॉर्मूला में वेरिएबल का प्रयोग करते हैं ताकि विभिन्न हाइपोथेटिकल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, इसे कहते हैं वैन। ठीक है, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नेटवर्क है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो विभिन्न साइट्स, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और यूजर टर्मिनल को इंटरकनेक्ट करता है और लैन को आपस में कम्युनिकेट करने में भी सक्षम बनाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज बैंकिंग में होता है, एयरलाइंस में होता है, रेलवेज में होता है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखो, लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड की बात हम कर रहे हैं। एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है और इसके फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और इसका एक्सटेंशन होता है .docx। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कॉल लेटर बना सकते हैं, कोई मैटर लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज के अंतर्गत होती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए टेक्स्ट मटेरियल को तैयार करना, उन्हें देखना, उन्हें एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेट का अर्थ ये होता है, देखो फॉर्मेट का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कोई मैटर है उस पर सेलेक्ट करके आपने बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार का उस पर इफेक्ट डालना, वो कहता है फॉर्मेट। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड क्या है, एक एप्लेट है जो पावर पॉइंट के साथ आता है ताकि टेक्स्ट को एनहांसमेंट इफेक्ट दिया जाए। देखो वर्ड आर्ट क्या होता है, एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। इससे क्या होता है, ये 3D वर्ड बना देता है किसी भी को, ठीक है ना, कोई भी अपना सिंपल टेक्स्ट है उसको डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, लिखा है वर्कबुक। वर्कबुक होता है क्या, एक्सेल का जो फाइल होता है, जैसे एमएस वर्ड का फाइल, एमएस वर्ड की फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, उसी तरह से एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। लिखा है एक एक्सेल फाइल जिसमें एक या अधिक वर्कशीट होती है, उनको बोलते हैं वर्कबुक। नेक्स्ट है वर्कशीट क्या होता है, देखो एक्सेल में जो जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट होती है वर्कशीट 3। ठीक है, अब देखो लिखा है 256 कॉलम होते हैं और इतना रो दिया है ग्रिड होती है, लेकिन अब क्या है, अब ये 2003 के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना, अब इसका डेटा चेंज हो चुका। तो यहाँ सिंपल से समझो कि एक्सेल में 3 वर्कशीट होती हैं जिन पे हम अपना काम करते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में स्थित एक एक्सेस पॉइंट जो नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के लिए होता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी होता है जहां नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ सर्वर में एक्सेस के लिए जुड़ा जाता है। इसे आमतौर पर इसकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है, मतलब एक कहते हैं वर्क स्टेशन कहाँ पर है, मतलब एक मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क का सेंट्रल पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखा सेटअप स्ट्रिंग क्या होता है। सेटअप स्ट्रिंग कैरेक्टर की एक सीरीज जो कि प्रिंटर सेटिंग जैसे फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग और अन्य प्रिंटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है, मतलब जितने भी हम जब प्रिंट करते हैं उस केस में ये पूरा पूरा कंट्रोल करेगा कि फॉन्ट का साइज क्या रहेगा
और उसका किसी भी दो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग कितना होगा वो सेटअप स्ट्रिंग से कंट्रोल किया जाता है। शैडो कलर क्या है? जब आप एक शैडो को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं तब पावर पॉइंट जो कलर अप्लाई करता है यह कलर अक्सर बैकग्राउंड कलर से गाढ़े शेड में होता है। शेप क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का रूप, एक रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, लाइन हो सकता है, ठीक है ना। शेप देखो क्या होना, शेप से क्या कहते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, कोई किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो इससे क्या, देखो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और रेक्टेंगल अगर हाफ कर दिया जाए तो ये अलग शेप बन जाएगा, ठीक है ना, डायमंड शेप बन जाएगा, अलग अलग चीजें बनती हैं, ये त्रिभुज बन जाएगा, लाइन भी, इनको बोलते हैं शेप। शॉर्टकट की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन जिनका प्रयोग करके कमांड को तुरंत एग्जीक्यूट करना, मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि शॉर्टकट की क्या होता है। तो ऐसा स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन जिसे हम बहुत ही जल्दी से एग्जीक्यूट करना हो किसी कमांड को तो हम करते हैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल। नेक्स्ट है सिमुलेशन क्या होता है? एक फिजिकल या हाइपोथेटिकल सिस्टम के बिहेवियर या प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट और एनालाइज करना एक सिस्टम मॉडल के बिहेवियर के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? वह परिस्थिति जिसमें डिराइव क्लास की एक ही बेस क्लास होती है, ठीक है, ये उप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा सिंगल इनहेरिटेंस। साइजिंग हैंडलिंग क्या है? एक वर्गाकार हैंडल जो कि एक रेक्टेंगल के प्रत्येक कोने और साइड में दिखाई पड़ता है। यह रेक्टेंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से घेर रखता है। आप ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए साइजिंग हैंडल को ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड आइकन क्या होता है? छोटी सी आइकन जो आउटलाइन व्यू में प्रत्येक स्लाइड टाइटल के बगल में दिखाई पड़ता है। यहाँ जहां भी प्रत्येक स्लाइड शुरू होती है वहां पर पावर पॉइंट आपको दिखाने के लिए आइकन जोड़ देता है, ठीक है, मतलब जहां भी प्रिंट करना हो तो यहाँ पे आइकन दिख जाएगा। ओके स्लाइड मास्टर क्या होता है? वह स्लाइड जो टाइटल्स, मेन टेक्स्ट और कोई बैकग्राउंड आइटम के लिए फॉर्मेटेड प्लेस होल्डर को रखती है, मतलब ऑलरेडी जो, जैसे आप लॉग इन करने जाते हो फेसबुक पे तो ऑलरेडी लिखा होता है ना प्लीज एंटर पासवर्ड, वो होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर दिखाई देती है। यदि आप स्लाइड मास्टर पर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस परिवर्तन का असर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में होगा। देखो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आर्मी पब्लिक स्कूल एग्जाम में भी ये पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बहुत एग्जाम में पूछता है कि स्लाइड मास्टर क्या होता है, स्लाइड शो क्या होता है। अगर हमें किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर हमें शो रन कराना है तो हम क्या करते हैं, स्लाइड शो लिखा है। स्लाइड शो क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए एक शब्द है। स्लाइड शॉर्टर क्या है? पावर पॉइंट में एक व्यू जो एक प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को मिनिएचर में दिखाता है। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? जो टाइमिंग सेट करते हैं या मूवमेंट जो देते हैं उसको बोलते हैं। एक स्पेशल इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो के दौरान स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पेज है, पेज को आप चाहते हो कि लेफ्ट से मूव करे, राइट इधर से चले या इधर से चले लेफ्ट राइट, या रेक्टेंगल मैच चलाना चाहते हो, अलग अलग विजुअल इफेक्ट देना चाहते हो पेज पर, तो हम स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको अच्छा वर्क करना है पीपीटी पर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, तो आपको नया नया विंडो लीजिए, विंडो मतलब ऑफिस पैकेज की बात हो रही है, 2019 लीजिए आपको ये। अब देखो नेक्स्ट लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। आपको सॉफ्ट कॉपी पता ही होगा कि जब हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो जितने भी डेटा होते हैं ना उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर आउटपुट जो एक टर्मिनल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है अस्थाई या प्रिंटेड कॉपी के रूप में नहीं होता है, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी, जब हम उसी मैटर को प्रिंट करके के पेज पर निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रभावी कार्य प्रणाली से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रोसीजर भी होते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बहुत सारे काम को कर लेते हो, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ओपन करो तो एक वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसका सीरीज पूरा लेके आऊंगा, लगभग ये 8-10 लेसन होगा कि शॉर्ट टाइम रहेगा तो आपको भी हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट।